हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 12 का चैप्टर शुड विजर्ड हिट मॉमी, जिसको लिखा है जॉन अपडाइक ने। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की थीम और इस चैप्टर के कैरेक्टर्स, फिर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की मेन स्टोरी दैट इज समरी, एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द मॉरल इशू रेज्ड बाय द ऑथर थ्रू दिस चैप्टर, कैरेक्टर स्केच ऑफ द कैरेक्टर्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है शुड विजर्ड हिट मॉमी, इसमें टाइटल में ही सवाल पूछा गया है कि क्या विजर्ड को मॉमी को मारना चाहिए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसी सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे इस चैप्टर में कि हाँ मारना चाहिए था या नहीं मारना चाहिए था। ठीक है, तो दोस्तों इस चैप्टर में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। इस चैप्टर में एक मैरिड कपल जिसका नाम है जैक एंड क्लेयर। जैक और क्लेयर के दो बच्चे हैं, बॉबी जो उनका 2 साल का बेटा है, एंड जुआन जिसको जो कह के चैप्टर में बुलाया गया है, जो उनकी 4 साल की बेटी है, एंड क्लेयर जो जैक की वाइफ है वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, मतलब वो अपना 3rd चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों कहानी कैसे शुरू होती है। कहानी ऐसे शुरू होती है कि हमारे जो ऑथर हैं जॉन अपडाइक, वो बताते हैं कि जैक के घर का एक ट्रेडिशन होता था, एक रूटीन होता था। ठीक है, अब वो रूटीन क्या होता था। वो रूटीन ये होता था कि जो हमारे जैक हैं वो जो को स्टोरी सुनाते थे हर इवनिंग को, हर सैटरडे को। ठीक है, अब ये जो स्टोरी सुनाने का ट्रेडिशन है जैक का जो को, इसको हो गए हैं 2 साल। मतलब जब जो 2 साल की थी तब से ये स्टोरी सुनाने का ट्रेडिशन चालू हुआ है, और अब जो 4 साल की हो गई है। जैक जो जो को स्टोरी सुनाता था वो हर बार सेम ही होती थी विथ लिटिल वेरिएशन, यानी हर बार थीम जो होती थी वो सेम ही होती थी। हर स्टोरी में सेम कैरेक्टर होता था जिसका नाम होता है रॉजर। तो रॉजर कभी फिश बनता है, कभी स्क्विरल बनता है, कभी चिपमंक बनता है, और हर बार रॉजर को स्टोरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होती थी। तो वो किसके पास जाता था, वो वाइस आउल के पास जाता था। वाइस आउल उसको विजर्ड के पास जाने को बोलता था। विजर्ड के पास कुछ जादुई ताकत होती थी, मैजिक स्पेल्स होते थे, तो वो मैजिक स्पेल करके जो रॉजर है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था। विजर्ड उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बदले कुछ फीस चार्ज करता था, कुछ पेनीज चार्ज करता था, और हमेशा ही रॉजर के पास जितने भी पैसे वो विजर्ड मांगता था उससे कम ही पैसे होते थे। फिर विजर्ड रॉजर को बताता था कि एक्स्ट्रा पेनीज वो कहाँ से ला सकता है। रॉजर उस जगह पे जाता था, पेनीज लेके आता था, विजर्ड को देता था, और फिर खुशी खुशी घर चले जाता था। जब रॉजर घर पहुँचता था तब तक रॉजर के जो फादर हैं वो भी बॉस्टन से आ जाते थे। फिर रॉजर, उसके फादर, उसकी मदर तीनों ही मिलके डिनर करते थे। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस करा है, जो रॉजर होता है वो हर बार अलग अलग जानवर बनता है। तो इस बार जो के कहने पे जैक रॉजर को एक स्कंक बनाता है। स्कंक कौन है, स्कंक एक वाइल्ड एनिमल है जिसकी बहुत फाउल स्मेल होती है। ठीक है, जिसकी बॉडी में से बहुत ही ऑफुल स्मेल आती है। अब ये जो हमारा रॉजर है वो क्या बन चुका है, रॉजर स्कंक। ठीक है, तो अब ये रॉजर स्कंक के बॉडी में से बहुत ही फाउल स्मेल आती है, बेकार सी स्मेल आती है। तो जो हमारा रॉजर स्कंक है, जब भी जंगल में जाता था दूसरे जो एनिमल्स हैं उसके साथ नहीं खेलते थे, उसको देख के भाग जाते थे, क्योंकि रॉजर स्कंक की बॉडी में से बहुत ही ऑफुल स्मेल आती थी। ठीक है, तो रॉजर स्कंक जो है वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करता था, डिप्रेस फील करता था, और लोनली फील करता था। क्यों, क्योंकि उसके साथ कोई भी एनिमल नहीं खेलता था। अब ये जो स्टोरी है जब जैक जो को सुना रहा है, तो जैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रॉजर स्कंक की स्टोरी है वो जैक के पर्सनल चाइल्डहुड से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमारा जैक है जो का फादर, उसको भी बचपन में स्टैमरिंग का प्रॉब्लम था। स्टैमरिंग का मतलब है हकलाना, ठीक से बोल नहीं पाना, अटक अटक के बोलना, जिसके कारण जैक को भी बचपन में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, उनको भी काफ़ी ज़्यादा लोनली फील हुआ।
तो जैक को अच्छा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनल स्टोरी, एक रियल स्टोरी अपनी बेटी जो को सुना रहे हैं। तो दोस्तों, जब जैक जो को ये स्टोरी सुना रहे हैं, तभी उनको नीचे डाउनस्टेयर्स आवाज आ रही है। किसकी आ रही है? अपनी वाइफ क्लेयर की। और क्लेयर क्या कर रही है? फर्नीचर मूव कर रही है। तभी जैक को ये ध्यान आता है कि उनको नीचे जाके अपनी वाइफ क्लेयर की फर्नीचर पेंट करने में मदद भी करनी है। और क्लेयर को अकेले फर्नीचर मूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है और ये उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, हर बार की तरह जब भी रॉजर को प्रॉब्लम होती है, वो वाइस आउल के पास जाता है। वाइस आउल उसको विजर्ड के पास भेजता है। विजर्ड मैजिक स्पेल करके जो हमारे रॉजर है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। तो इस बार भी हमारा जो रॉजर स्कंक है, वो रोते रोते जाता है वाइस आउल के पास। और वाइस आउल क्या करता है? रॉजर को बोलता है विजर्ड को विजिट करने के लिए। अब दोस्तों, जब जैक जो को ये स्टोरी सुना रहा है, तभी जो जैक से पूछती है कि डैडी, क्या मैजिक स्पेल्स रियल होते हैं? यानी अभी तक तो जो छोटी थी, जो भी उसको कहानी सुना देते थे वो सुन लेती थी, लेकिन अब वो 4 साल की हो गई है, अब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो उसका इंक्विजिटिव नेचर बाहर आने लगा है। यानी अब वो बहुत सारे सवाल पूछने लगी हैं, जिस पे जैक बोलता है कि मैजिक स्पेल्स सिर्फ स्टोरीज में ही रियल होते हैं। लेकिन अब जो हमारे जैक हैं, जो जो के फादर हैं, वो जो के क्वेश्चनिंग एटीट्यूड से इरिटेट हो चुके हैं। उनको जो का जो ये इंक्विजिटिव नेचर है, ये क्वेश्चन करने वाला एटीट्यूड है, अच्छा नहीं लग रहा है। और जैक को ये लगता है कि जो की क्वेश्चनिंग करने की वजह से हमेशा वो स्टोरी में थोड़ा सा पार्ट मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हर बार स्टोरी में होता है, रॉजर जो है वाइस आउल के कहने पे पहुंच जाता है विजर्ड के पास। अब यहाँ पे विजर्ड के फिजिकल अपीयरेंस की बात करी गई है कि वो एक टाइनी ओल्ड मैन है, यानी उसकी हाइट काफी कम है, उसकी लंबी सी दाढ़ी है और पॉइंटेड ब्लू हैट है। ठीक है, अब जैसे ही जो हमारा रॉजर स्कंक है, जिसकी बॉडी में से काफ़ी फाउल स्मेल आती है, बहुत ही गंदी सी बदबू आती है, जैसे ही वो विजर्ड के पास पहुंचता है, विजर्ड उसको बोलता है कि तुम मेरे से थोड़ा सा दूर हो जाओ। जाहिर सी बात है, क्योंकि रॉजर स्कंक में से बहुत गंदी सी बदबू आती है। जब रॉजर स्कंक अपनी प्रॉब्लम विजर्ड को बताता है, तो विजर्ड रॉजर से पूछता है कि तुम बताओ तुमको कैसी स्मेल चाहिए, जिस पे हमारा जो रॉजर्स कंक है वो थोड़ा सा सोचता है और फिर बोलता है रोजेस। यानी वो विजर्ड को बोलता है कि मुझे रोजेस की स्मेल चाहिए। अब जैसा कि हर बार होता है, विजर्ड अपना मैजिक स्पेल करता है एंड सडनली रूम में से रोजेस की खुशबू आने लगती है। यानी कि विजर्ड का स्पेल काम कर जाता है और अब रॉजर्स कंक में से वो ऑफुल फाउल स्मेल नहीं आ रही है और वो बिल्कुल रोजेस की तरह महक रहा है। अब जैसे ही जैक बोलता है कि अब रॉजर में से रोजेस की खुशबू आने लगी है, हमारी जो जो है उसका बिल्कुल मूड ही चेंज हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी खुश नज़र आती है। दोस्तों, अब जो जो के फादर हैं, वो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वो गलती से रॉजर स्कंक को रॉजर फिश बोल देते हैं, जिस पे जो जो है उनकी बेटी, वो इमीडिएटली जैक की इस मिस्टेक को पकड़ लेती है और बोलती है डैडी इट्स रॉजर स्कंक नॉट रॉजर फिश, जिस पे जैक जो है अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं और वो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हर बार होता है, विजर्ड जो है रॉजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बदले वो फीस चार्ज करता है, पेनीज मांगता है। तो इस बार भी रॉजर स्कंक के पास उतनी पेनीज नहीं होती है जितनी विजर्ड मांगता है। ठीक है, तो अब विजर्ड रॉजर को रास्ता बताता है कि कहाँ पे जाके पेनीज मिल सकती हैं। रॉजर वहाँ जाता है, पेनीस लेके आता है और विजर्ड को दे देता है। अब रॉजर जो है हमारा काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अब
रॉजर की बॉडी में से बिल्कुल भी ऑफुल स्मेल नहीं आ रही है, वो बिल्कुल रोजेस की तरह महक रहा है। खुशी खुशी जो रॉजर है वो जंगल से होते होते जा रहा है अपने घर। लेकिन अब चूंकि उसकी बॉडी में से रोजेस की स्मेल आ रही है, सारे ही एनिमल्स उसके पास गैदर हो गए और उसके साथ खेलने के लिए राजी हो गए हैं। तो दोस्तों, अब रॉजर स्कंक पहुंच जाता है अपने घर। उनके घर पे होती है रॉजर स्कंक की मम्मी। तो रॉजर स्कंक की जो मम्मी होती है, उनको ये रोजेस की स्मेल बहुत ही ज़्यादा ऑफुल लगती है, बेकार लगती है। और जब उनको ये पता चलता है कि ये जो रोजेस की स्मेल है वो उनके ही बच्चे रॉजर स्कंक में से आ रही है, तो वो गुस्से से भर जाती हैं और रॉजर को बहुत ज़्यादा डांटती हैं। तो दोस्तों, जब रॉजर स्कंक की मम्मी को ये पता चलता है कि विजर्ड ही वो पर्सन है जिसने उनके बच्चे की ओरिजिनल स्मेल को हटा के रोजेस की स्मेल डाल दी है, वो विजर्ड पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हैं और रॉजर को विजर्ड के पास लेके जाती है। और वो इतनी गुस्से में होती है कि वो गुस्से में विजर्ड को हेड पे मार देती हैं। अब जब जैक जो को अपनी स्टोरी में बता रहे हैं कि मदर स्कंक को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से में जो विजर्ड है उसको हेड पे मार देती है, जो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो स्टोरी में इंटरप्ट यानी स्टोरी को रोकते हुए कहती है कि मॉमी को विजर्ड को नहीं मारना चाहिए बल्कि विजर्ड को मॉमी को मारना चाहिए। वो ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि जो को ऐसा लगता है कि विजर्ड ने तो कितना अच्छा काम किया है, रॉजर की जो ऑफुल स्मेल थी, बुरी सी बदबू थी जो उसकी बॉडी में से आती थी, उसको हटा दिया और उसके बदले रोजेस की स्मेल डाल दी, जिसके कारण सारे ही एनिमल्स अब उसके साथ खेलते थे, उसको बिल्कुल भी ह्यूमिलिएशन और सैडनेस फील नहीं होती थी। इसीलिए मॉमी को विजर्ड को नहीं, विजर्ड को मॉमी को मारना चाहिए और मना कर देना चाहिए कि वो बिल्कुल भी रॉजर के रोजेस की स्मेल को चेंज नहीं करेंगे। अब जब जो ऐसा कहती है, जैक जो को डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि जो अगर तुम इसी तरीके से मेरी स्टोरी में इंटरप्ट करती रही तो अब मैं आगे से तुमको कोई भी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा और ये तुम्हारी स्टोरी नहीं है, ये मेरी स्टोरी है। अब इस पे जैक आगे बोलते हैं कि मदर स्कंक के गुस्से के सामने जो विजर्ड है वो भी अपने घुटने टेक देता है और वो मैजिक स्पेल से वापस से रॉजर स्कंक की रोजेस की स्मेल को हटा के स्कंक की जो ओरिजिनल फाउल स्मेल है उसको डाल देता है। अब फिर से रॉजर स्कंक की बॉडी में से ओरिजिनल स्मेल आने लगी है, फाउल स्मेल आने लगी है और रॉजर स्कंक की जो मम्मी है रॉजर स्कंक को वापस घर ले जाती है। जैसे ही रॉजर स्कंक और रॉजर स्कंक की मदर घर पहुंचते हैं, तब तक जो फादर स्कंक होते हैं वो भी बॉस्टन से काम से लौट आते हैं और फिर तीनों ही लोग, रॉजर स्कंक के फादर और रॉजर स्कंक के मदर, साथ में मिलके एक लैविश डिनर करते हैं। उसके बाद रॉजर स्कंक के पेरेंट्स यानी मदर स्कंक और फादर स्कंक रॉजर को किस करते हैं, हग करते हैं और फिर रॉजर स्कंक सोने चला जाता है। तो दोस्तों, जैक जो है हमारे जो के फादर, वो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं कि अब जो हमारा रॉजर है वो बहुत ही हंसी खुशी दूसरे जानवरों के साथ खेलने लगा है। कैसे? क्योंकि जो दूसरे जानवर हैं उन्होंने इवेंचुअली हमारे रॉजर को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी फाउल स्मेल को एक्सेप्ट कर लिया और अब उनको रॉजर से, उसकी फाउल स्मेल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, उसको अभी भी ये एंडिंग पसंद नहीं आई है, उसको अभी भी यही लगता है कि मॉमी को विजर्ड को नहीं, विजर्ड को मॉमी को मारना चाहिए था। जिस पे जैक जो के साथ डिसएग्री करते हैं और जो को समझाते हुए कहते हैं कि जो रॉजर स्कंक है वो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से ही प्यार करता था, इसीलिए उसने अपनी मम्मी की ही बात मानी। पेरेंट्स को पता होता है कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर जैक अपनी स्टोरी को ख़त्म करते हैं। वो जो को बोलते हैं कि अब तुम सो जाओ, क्योंकि अब जैक को नीचे जाना है और नीचे जाकर अपनी वाइफ की हेल्प करनी है। तो दोस्तों, अब जैसे ही जैक नीचे पहुँचता है, वो देखता है कि उसकी जो वाइफ है क्लेयर, जो 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है, वो फर्नीचर को पेंट कर रही है।
जैसे ही जैक नीचे पहुंचता है, क्लेयर बहुत ही गुस्से में जैक को बोलती है कि क्यों उसने जो को इतनी ज्यादा लंबी स्टोरी सुनाई जिसकी वजह से उसको इतना ज्यादा टाइम लग गया। अब जैसे ही क्लेयर जैक को ये बात बोलती है, सडनली जो जैक का मूड है वो चेंज हो जाता है। वो अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाता है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक अगले मिडिल पोजीशन में है और वो दो चीज़ों के बीच में जूझ रहा है, एक अ वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज एंड इमेजिनेशन एंड अनदर अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी 4 साल की बेटी को कन्विंस नहीं कर पाया कि उसने जो जो को स्टोरी सुनाई है वो सही है और उसकी एंडिंग बहुत ही अच्छी हुई है, और दूसरी ही तरफ जब वो नीचे आया तो क्लेयर ने भी उसको डांट दिया और बोला कि तुमने इतनी लंबी स्टोरी क्यों सुनाई। तो इसलिए जैक का जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और जैक अपने आप को एक अगली मिडिल पोजिशन में पाता है और अब वो क्लेयर से ना तो बात करना चाहता है, ना उसके साथ काम करना चाहता है, ना ही उसको टच करना चाहता है, और ऐसे ही हमारी जो स्टोरी है वो एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।